नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए रुख करते हैं जालौन की खास खबरों पर। जनपद जालौन के कालपी में आज से 3 महीने पहले भी इसी तरह की घृणित गतिविधि कर राम जानकी मंदिर टंडनगंज के बगल में स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। आज पुनः वही कार्य दोहराया गया, जिसमें एक ही रात में 2 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ से हिंदू संगठनों एवं श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान सहित आसपास के थानों से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। थाने में विधायक कालपी नरेंद्र सिंह जादौन, पूर्व विधायक छोटे सिंह, हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष नीलाभ शुक्ला, बजरंग दल जिला संयोजक दीपक शर्मा, हिंदू युवा वाणी प्रमुख सुबोध द्विवेदी, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुन्ना चौधरी की शासन प्रशासन से बातचीत हुई है और जिसके बाद माहौल को शांत कराया गया। वहीं जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान ने SITM का गठन कर जल्द गुनहगारों को गिरफ्तारने का आश्वासन भी दिया है। प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है। आपको बता दें, मात्र 10 दिनों के अंदर पुनः निर्माण प्रतिष्ठा के बाद कराया जाएगा। रुद्राभिषेक पुलिस कप्तान करेंगे। फिर भी कुछ भक्त दुर्गा मंदिर स्थित शिव चबूतरे पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, धरना जारी रहेगा। अनशन पर बैठे प्रमुख लोगों में विहिप नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रजापति, संघ नगर सहकारवाह ब्रजेंद्र सिंह, भाजपा सभासद अतुल सिंह चौहान, समाज सेवी हर्षित खन्ना, व्यापारी सुनील गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। कालपी से अमित कुमार यादव की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में कहने सुनने को कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। पिछले एक वर्ष के अंदर कम से कम 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, ये प्रथम घटना नहीं है। और प्रशासन जैसे पिछली बार आश्वासन देता रहा है, वैसे ही इस बार पुनः आश्वासन दे रहा है, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि कैसे भी मामला आज शांत हो, फिर कल का कल देखेंगे। जो घटनाएं हुई है उसमें प्रशासन ने कोई खुलासा किया अभी तक? कोई आज तक कोई खुलासा नहीं है। और ये चीज आप चाहे तो अभी प्रशासन से पूछ लें। और हम आप लोगों से भी कहते हैं कि एक निवेदन है आप लोगों से कि सारा। क्या नाम है आपका? मैं ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। यहाँ पे 3 महीने पहले एक घटना हुई, राम जानकी मेन बाजार में राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति तोड़ दी गई। मूर्ति तोड़ने पे प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, मूर्ति तोड़ने वाले पकड़े जाएंगे और मूर्तियों की स्थापना करवा दी जाएगी। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मूर्ति वहाँ पे जो नंदी बाबा तोड़े गए थे, नंदी बाबा की स्थापना करवा दी गई। बाकी जो भी मूर्तियाँ टूटी थी वो आज दिन तक वैसे ही टूटी डली है, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई।